हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग दो और वर्ग तीन का रिजल्ट आ चुका है और सभी ने देख लिया होगा। तो आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो रिजल्ट आया है आपका, उसमें से कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और कितने अनक्वालिफाई हुए हैं। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि माध्यमिक शिक्षक संगीत के लिए और प्राथमिक शिक्षक संगीत के लिए कितने छात्र क्वालिफाई हुए हैं और कितने छात्रों ने फॉर्म डाला था वर्ग दो और वर्ग तीन दोनों के लिए। तो गाइस, इस पर अपन कंप्लीट चर्चा करने वाली हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए चैनल के माध्यम से ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 वर्ग दो वर्ग तीन परीक्षार्थियों की संख्या, कितने फॉर्म भरे गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं, हिंदी MS के लिए टोटल फॉर्म थे आपके 67,368, उसमें से प्रेजेंट हुए थे 46,260 और अब्सेंट हुए थे 21,108। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए और आपका गायन वादन MS के लिए। तो देखिए, माध्यमिक के लिए आपके 2829 विद्यार्थियों ने आपका पेपर दिया था, 941 अब्सेंट थे और टोटल आपके 3770 आपके फॉर्म भरे गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतने थे आपके गायन वादन माध्यमिक में। और प्राथमिक की बात करें तो गायन वादन प्राथमिक के थे आपके 2752, 1000 आपके अब्सेंट थे, 2752 ने पेपर दिया था, 3760 आपके टोटल फॉर्म भरे गए थे। तो इस प्रकार से आपके जो टोटल फॉर्म भरे गए थे, आप यहाँ पर देख सकती हैं, 3770 और 3760 दोनों में भरे गए थे, प्रेजेंट हुए थे, उन पर अपन चर्चा करेंगे, 2829 माध्यमिक में और 2752 आपके प्राथमिक में। तो आप इनको अब जोड़ सकती हैं, 11,718, 15,515, टोटल आपके 5581 प्रेजेंट हुए थे आपके संगीत के गायन वादन माध्यमिक और प्राथमिक में। तो अब इन पर अपन चर्चा करने वाले हैं, इनमें से कितने क्वालिफाई हुए हैं और ऑल ओवर जितने भी आपके फॉर्म भरे गए थे, उनमें से कितने क्वालिफाई हुए हैं। देखिए, ऑल ओवर आपके 4,58,000 फॉर्म भरे गए थे, 3,49,104 ने आपके पेपर दिए थे। अब इनमें से कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। ये एक डाटा था जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अब देखिए गाइस, आप यहाँ पर देख सकती हैं, भोपाल दैनिक भास्कर की न्यूज़ है 5/7/2023 की, आज ही की डेट में आई है। MSTT यानी कि MP TET 2023 का रिजल्ट घोषित, 94,000 क्वालिफाई। कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 94,000। कितने ने फॉर्म आपका फिल किया था, 4,58,000 ने, उनमें से 3,49,000 कैंडिडेट ने आपका पेपर दिया था। तो 3,49,000 यानी कि 3.5 लाख में से 94,000 पास हुए हैं। तो कितना आप लगा सकती हैं, 1/3 आपका 1/3 विद्यार्थी पास हुए हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन पात्रता परीक्षा 2023 यानी कि MSTET 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 2 से 19 मई तक आयोजित की गई थी। इसके लिए ये मैंने पूरी की पूरी जानकारी बता दी आपको। इसमें से 94,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम संगीत के बारे में। तो गाइस, आपके लगभग 5800 विद्यार्थी आपके यहाँ पर अपीयर हुए थे, एग्जाम दिया था, 1/3 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि कितने विद्यार्थी पास हुए होंगे। तो देखिए, आपका 2800 आपके थे उसमें माध्यमिक में और 2700 थे आपके प्राथमिक में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लगभग 700 विद्यार्थी, और यहाँ से आप लगा सकते हैं लगभग 700-800 के आसपास, बल्कि यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राथमिक में ज़्यादा पास हुए हैं। तो आप प्राथमिक में 800 देख सकते हैं, इसमें 700, तो लगभग 1500 विद्यार्थी आपके अभी जो डाटा आया है उसके हिसाब से क्वालिफाई कर गए हैं।
तो देखिए आपकी जो पदों के बारे में बोला जा रहा है, 800 पदों पर भर्ती आने वाली है दोनों की, 1500 पास हैं, तो लगभग आप मान के चल सकते हैं एक पोस्ट पर दो विद्यार्थी आपका कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल कंपटीशन होने वाला है और अपनी तैयारी में लग जाइए। जिन विद्यार्थियों का हो गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अपन कोर्ट केस करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आ जाने वाला है। तो मैं आपको जैसे ही अपडेट आएगा उसका वीडियो बना करके दिखा दूंगा। गाइस विद्यार्थियों के पक्ष में ही वो अपडेट आने वाला है कोर्ट की तरफ से। तो 40-50% का मुद्दा अभी चल रहा है और पास भी होने वाला है। तो चलिए गाइस आप मिलते हैं, चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।